के अनेकानेक बेटे और बेटियां। मैं यहां के युवाओं से आह्वान करूंगा, अमृत महोत्सव में इन बलिदानियों के इतिहास को, इस धरती के प्रताप को देश और दुनिया के सामने लाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सिर्फ मिलकर इस अमर वीर भूमि को उसका गौरव लौटाएंगे। और मुझे खुशी है कि संसद में मेरे साथी भाई अनुराग जी लगातार ऐसे विषयों पर कुछ न कुछ करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कि राष्ट्र रक्षा इस साप्ताहिक पर्व को जिस प्रकार से उन्होंने स्थानीय लोगों को सक्रिय किया, सरकार और लोग मिलकर के कैसा अद्भुत काम कर सकते हैं, वो हमारे सांसद और उनके पूरे सभी साथियों ने दिखा दिया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस भव्य समारोह को सफल बनाने के लिए आदरणीय राजनाथ जी की नेतृत्व में पूरी टीम ने जिस कल्पकता के साथ इस स्थान का चयन करना, डिफेंस कॉरिडोर के लिए उत्तर प्रदेश, राष्ट्र रक्षा के लिए अनेक विध आयुधों को तैयार करने की भूमि बने, इसके लिए आज का ये इवेंट बहुत लंबे कालखंड तक प्रभाव पैदा करेगा। इसलिए राजनाथ जी और उनकी पूरी टीम अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी है। योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास को नई ताकत दी है, नई गति दी है। लेकिन डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड की इस धरती को शौर्य और सामर्थ्य के लिए फिर एक बार राष्ट्र रक्षा की उपजाऊ भूमि के लिए तैयार करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दूरदृष्टि काम है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। साथियों, आज के इस पवित्र त्योहारों के पल पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।